Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Satology में आपका बहुत बहुत स्वागत है. Satology यानी कि सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. उसके विपरीत है mythology, which means नकली काल्पनिक झूठ, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. पूरे विश्व में mythology जो है एक मेन स्ट्रीम टॉपिक हो चुका है. ये झूठ जो यूरोपियन सिखाना चाहते थे, कॉलोनाइजर सिखाना चाहते थे, और कॉलोनाइजर सिर्फ यूरोपियन ही नहीं थे, कॉलोनाइजर अरबी भी थे. जैसे कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश इनको काटना, ये सब इस्लाम के फॉलोअर्स ने किया, वो भी कॉलोनाइजर से, सिर्फ यूरोपियंस नहीं थे. तो यूरोपियंस को फॉलो करके इस्लाम के जो फॉलोअर्स है उन्होंने भी कॉलोनाइजेशन किया है. नॉर्थ अफ्रीका का, एशिया का, सेंट्रल एशिया का, और भारत में भी उन्होंने कोशिश करी, जिससे उन्होंने दो टुकड़े कर दिए. एक बांग्लादेश बना मुस्लिम देश, और दूसरा बना पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीसरा देश. और एक्चुअली अगर देखा जाए इतिहास में तो जो ईरान जो आज का दिखता है वो भी एक हिंदू राष्ट्र था ज़ोरोस्ट्रियन के अंदर. ज़ोरोस्ट्रियन हिंदू से कनेक्टेड है, इसीलिए जब ईरान पर आक्रमण हुआ अरबियों का, वो सभी लोग भारत की तरफ आए. ये ऐतिहासिक सत्य है. लेकिन भारतीय आजादी के बाद, अभी हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको ज्यादा बताएंगे, मेरे से ज्यादा बताएंगे, क्योंकि मेरा इस एरिया में ज्यादा स्पेशलिटी नहीं है. लेकिन जो भारत में भी जो जो हिंदू समाज को बांटने का काम, वो भी एक मिथोलॉजी के अंडर ही हुआ, कि किस तरह जाति को कास्ट से कनेक्ट कर दिया. वर्ड जाति तो एक सिर्फ एक सूचक है जन्म होने का, बस उसी का सूचक है, क्योंकि आपके पिछले कर्मों के द्वारा किसी परिवार में आपको जन्म होता है, इसलिए वो जाति, आप उस जाति में आ गए. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जाति में वर्ण दूसरे नहीं बदल सकते. जैसे कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये सभी जो है वर्ण है. मतलब किसी परिवार में जन्म लेके आप किसी भी वर्ण को आप चयन कर सकते हैं. लेकिन फिर भी हमको सिखाया गया जातिवाद और ये सब जो बड़े बड़े शब्द बन गए, जातिवाद, ये प्रथा, वो प्रथा, और बड़े बड़े जो मिथोलॉजिस्ट थे उनको रिफॉर्मर बता दिया गया, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, उसके ऊपर हम अलग से एक श्रृंखला करेंगे, उनको रिफॉर्मिस्ट बता दिया गया, जबकि वो स्वयं ही उसमें फंसे हुए थे. तो ये मिथोलॉजी के कार्य हुए हैं. और हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, दार्शनिक हैं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी हैं उन्होंने और हजारों आर्टिकल्स लिखे हैं, और स्वयं वो इतने जगह पे, उनको बहुत, पूरे भारत में उनका बहुत सम्मान रहता है, वो घूम घूम के लोगों को इस बारे में सिखाते हैं. सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज. नमस्कार प्रोफेसर. नमस्कार. नमस्कार जी. तो मुझे पहले तो बताइए कि ये जो आज भी जो है ना, अभी मैं सुनता हूँ कभी कभी कुछ लोगों को, स्पेशली पॉलिटिशियंस को, और कांग्रेस के पॉलिटिशियंस तो बात करते ही हैं, और कभी कभी हिंदू पॉलिटिशियंस भी ऐसी बातें करते हैं जाति के आधार पे. तो इसके बारे में बताइए कि ये मिसयूज हो रहा है कि हाउ दे आर डूइंग इट, और इनको पता ही नहीं है, या फिर सब कुछ पता होकर भी नहीं बोलना चाहते ठीक से सत्य तरीके. नहीं, इसमें दो बातें हैं. पहली बात यह है कि जो भारत के वर्तमान राजनेता हैं, जो भी पार्टियां हैं, जो कि निर्वाचन आयोग के पास रजिस्टर्ड हैं और पहले सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड थी, ये हिंदू समाज की नेचुरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है. इसमें, इसको अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड समझें कि अंग्रेजों ने जाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डर से अपने शिष्य को, जवाहरलाल नेहरू को, ट्रांसफर किया पावर का, ठीक है. अब वो हिस्ट्री का विषय है, उस पर ज्यादा नहीं करते. लेकिन जवाहरलाल नेहरू का जो स्टैंड था वो हमें जानना चाहिए. तो जवाहरलाल नेहरू सदा कहते थे कि मैं तो आउटसाइडर और स्ट्रेंजर हूँ, एंड ही फेल्ट प्राउड फॉर दिस. माने ही हैज ए प्राइड कि आई एम आउटसाइडर एंड स्ट्रेंजर फॉर इंडियन सोसाइटी. और इसको उन्होंने लिखा है आर्टिकल्स में, बुक में, यानी टू बी स्ट्रेंजर एंड आउटसाइडर ऑफ योर सोसाइटी इज एन एलिजिबिलिटी इन मॉडर्न पॉलिटिशियंस
क्राइटेरिया और इंटेलेक्ट जो भी कहिए, मतलब संसार में ऐसे कोई भी राजनेता या राजनीतिक दल नहीं है जो कहें कि हम अपनी सोसाइटी के लिए स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर हैं। अब जवाहरलाल ने थोड़ा सच बोल दिया, भारत के सभी पार्टियों के नेता जिनमें भाजपा भी शामिल है, वो थॉट के लेवल पे हिंदू समाज के लिए आउटसाइडर और स्ट्रेंजर है। दे डोंट नो द शास्त्रास, वो भारत के सनातन धर्म का कोई शास्त्र नहीं जानते, उनका कोई गुरु नहीं है वैसे जो आध्यात्मिक गुरु हो, और किसी भी शास्त्र के प्रति उनमें कोई प्रमाण भावना नहीं है। तो उनकी सारी प्रमाण भावना अंग्रेजी में लिखे हुए आर्टिकल्स पर है, वो अंग्रेजी की बुक्स भी भारत का नेता नहीं पढ़ता। उनकी पार्टी का कोई इंटेलेक्चुअल अंग्रेजी में लिखी थोड़ी सी किताबें पढ़ लेता है जो कि मुख्यतः मिशनरीज के द्वारा लिखित हैं, और फिर वो कुछ भी बक बक करता है। इसीलिए भारत में मीडिया और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल हैं, जो केवल ईसाई पादरियों की लिखी पुस्तकें पढ़ते हैं सोशियोलॉजी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, उनको ही वो नेता अपना इंटेलेक्चुअल मानते हैं। आप देखिए, भारत का कोई भी नेता हो, वो सबसे पहले पहले अंग्रेजी अखबार पढ़ता था, आजकल इंग्लिश चैनल देखता है। तो ये लोग स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर्स हैं, इनको इससे पता ही नहीं है कि भारत क्या है। प्रैक्टिकली दे आर वेरी मच इन दी सोसाइटी, व्यवहार से वो समाज के भीतर हैं। लोगों को कैसे प्रभावित करना, कैसे सुंदर भाषण देना, कैसे बरगलाना, कैसे बहा ले जाना किसी नारे में, चुनाव के समय कोई एक इश्यू उछाल कर लोगों को बहा लेना, इसमें वो बहुत पटु हैं, एक्सपर्ट हैं। सारा एक्सपर्टाइज करंट इश्यूज उठाकर उसमें एक बहाव में ले जाना, कभी भ्रष्टाचार का उठाया, कभी गरीबी हटाओ का, कभी राम जन्मभूमि का, ये क्या है, इनके लिए मास मोबिलाइजेशन के टैक्टिक्स हैं, और वो इश्यू केवल मास मोबिलाइजेशन के लिए है। लेकिन हिंदू समाज के बारे में कुछ पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, ये भारत कोई नेता नहीं जानता, कांग्रेस का कोई नेता नहीं जानता, सोशलिस्ट पार्टी का कोई नेता नहीं जानता, कम्युनिस्टों के जानने का सवाल ही नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा एक भी नेता नहीं है जो हिंदू शास्त्रों का इनसाइडर हो। सब हिंदू शास्त्रों के आउटसाइडर हैं, बाहरी हैं, स्ट्रेंजर हैं, स्ट्रेंजर टू दी शास्त्रास। और वो इनसाइडर किसके हैं, इनसाइडर यूरोपियन राइटिंग्स के भी नहीं है। यूरोपियन राइटिंग का थर्ड रेट जो इमिटेशन है, जो तृतीय श्रेणी की नकल है भारत में, जो लोग यूरोप की भी पुस्तकें नहीं पढ़ते, क्योंकि यूरोप में जो नई पुस्तकें लिखी जा रही हैं और जो पहले भी लिखी गई हैं यूरोप के बारे में, जो आपके चैनल में प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी जिन पुस्तकों के हवाले से यूरोप की सच्चाई बताते हैं, वो भारत का कोई नेता नहीं जानता, कभी चर्चा ही नहीं करता कि यूरोप ऐसा है, यूरोप ऐसे आगे बढ़ा, यूरोप की ये समस्या है, कुछ नहीं। उनके अनुसार यूरोप संसार का कुछ इंद्रलोक है, स्वर्ग है, उसकी कोई समस्या ही नहीं है, वो आराध्य है। कुछ ये यूरोपियन शासकों को विष्णु भगवान या इंद्र देवता मानते हैं, और वहां के बौद्धिकों की थर्ड रेट नकल, जो भारत के कुछ लेखक जिनको थोड़ी अंग्रेजी आती है वो जो नकल मारते हैं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन या सीधे अंग्रेजी इतना नेता पढ़ते हैं। तो उनको भारत के शास्त्रों के विषय में, भारतीय समाज की मान्यताओं के आधार के विषय में कोई ज्ञान नहीं। नतीजा ये है कि वो वही मानते हैं जो ईसाई मिशनरियों ने 19th सेंचुरी, 18th 19th सेंचुरी में हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए जो प्रोपेगेंडा रचा। तो हिंदू समाज को नष्ट करने के लिए उनकी जो हिंदू समाज की यूनिट है वो उनको सबसे बड़ी बाधा दिखती थी, तो उन्होंने इस पे अटैक शुरू कर दिया। पहले तो कहा कि हिंदू समाज बड़ा विचित्र है, हर हर मोर्चे पर उन्होंने अटैक किया, पहले राजाओं पर अटैक किया। अटैक क्या किया कि भारत के जो हिंदू राजा हैं वो अपनी प्रजा पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखते, यानी वो क्या खाए, क्या पहने, कैसे पूजा करे, कैसी मान्यताएं ले, क्या ऐसा उत्सव मनाए, इस पर टोटल कंट्रोल नहीं रखते। इसको वो बुराई की तरह बताया, जबकि भारत में हमारे शास्त्रों में लिखा था कि राजा का काम संरक्षण है, राजा का काम अपने मन से कानून बनाना नहीं है, शास्त्रों का पालन कराना है। इसको उन्होंने दोष बता दिया, उन्होंने कहा कि ये जो राजा हैं ये टोटल कंट्रोल क्यों नहीं रखते फैमिली पर, फैमिली लाइफ पर, सोशल लाइफ पर, यानी जो कम्युनिस्टों की मान्यता है वो ईसाई मिशनरियों ने भारत पर लगा दी। फिर इसके बाद एक एक इंस्टीट्यूशन को गाली देने लगे, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को गाली दी,
ब्राह्मणों को क्यों गाली दी, इसका जाति से संबंध है। इसका यह है कि हमारे सभी शास्त्रों में लिखा है, जिसे ये जाति कहते हैं यानी कास्ट के अर्थ में, वो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं, कुल समूह। तो मूल इकाई क्या है, कुल है, फैमिलीज हैं, फैमिली की पूरी ट्री, पूरा वृक्ष, वंश वृक्ष जो है वो एक कुल हुआ, वो कुल मूल इकाई है। तो कुलों के समूह को जाति कह देते थे जब बड़ी हो गई। तो इसको इन्होंने कास्टा से लेकर, ये तो फिर यूरोप में भी है, यहाँ पे भी फैमिली फैमिली की बात होती है, जैसे इटली में जाएंगे, इटली में सब में है, वही तो कह रहा हूँ ना, मुसलमान में भी अशरफ फैमिली है और ये फैमिली है, सैयद फैमिली है। मानव समाज उसके बिना रह ही नहीं सकता, विदाउट फैमिली देयर इज नो ह्यूमन सोसाइटी एज सच, परिवार के बिना मानव समाज है ही नहीं। पर ये मूर्ख, इस विषय में मूर्ख और वोट जुगाड़ने, वोट को इकट्ठा करने में बहुत चतुर हमारे नेता, संसार के विषय में मूर्ख हैं, भारत के विषय में मूर्ख हैं, विशेषकर हिंदू शास्त्रों के विषय में। वो केवल प्रैक्टिकल चीजें जानते हैं, कैसे कमीशन खाना, कैसे सौदेबाजी करना। अब मोदी जी कमीशन नहीं खाते, सौदेबाजी नहीं करते, तो वो ये जानते हैं कि कैसे नई नई पॉलिसीज बनाना, कैसे आर्मी को मजबूत करना, कैसे इकोनॉमी को मजबूत करना। इसमें मोदी जी पार एक्सीलेंस, बहुत होशियार हैं, लेकिन समाज के विषय में वो वही मुद्दे चला रहे हैं जो ईसाई मिशनरियों ने चलाया और जो पादरियों ने चलाया और जो कम्युनिस्टों ने चलाया और जो जवाहरलाल नेहरू जैसे अपने आप को गर्व से आउटसाइडर और स्ट्रेंजर कहने वाले व्यक्ति ने जो चलाया, ये वही चला रहे हैं। इनके टारगेट्स सोसाइटी के विषय में, इनके टारगेट किसने दे रखे हैं, ये वस्तुतः एक रिसर्च का विषय है, और मैंने तो रिसर्च किया है, लेकिन भारत का कोई रिसर्च सेंटर इस पर रिसर्च नहीं करता सिवाय मेरे। हमने एक राजसूय और हिंदू विद्या केंद्र बनाया है, उसमें हम रिसर्च करते हैं, पर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो हिंदू सोसाइटी की यूनिट्स क्या हैं, फंक्शन कैसे करती है, शास्त्र क्या है, इस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। जो भारत में ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च, वो पहले सोवियत संघ के पैटर्न पर रिसर्च करती थी, उसी की सोवियत संघ की नकल में बना था कम्युनिस्ट पैराडाइम्स में, और अब यूरो अमेरिकन पैराडाइम्स में करते हैं। तो वो जो वहाँ के जो नारे उछलते हैं ना, फेमिनिज्म आ गया, आजकल दलितवाद चला है, यानी जो जो एबोरिजिनल्स चल गया है ना, मूल निवासी वहाँ हिंदी में कह दिया, यानी जो यूरो अमेरिकन प्रॉब्लम्स हैं और जो यूरो अमेरिकन कैटेगरीज हैं और जो यूरो अमेरिकन इश्यूज हैं, उस पर रिसर्च करती है भारत की सरकारी समाज से वैज्ञानिक संस्था, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान। तो ये हाल है कि इसी प्रकार दार्शनिक अनुसंधान संस्थान जो है, वो भारत के राज्य का दार्शनिक आधार क्या है, इस पे कभी कोई बहस भारत में किसी ने नहीं लिखा। नतीजा ये है कि जो भारत के नेता हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि शास्त्रों में क्या लिखा है। और समाज में जो 77 वर्षों में कांग्रेस ने ये कोशिश की कि सब स्मृति भ्रंशता आ जाए, अपनी हर संस्था के बारे में हिंदू लोग स्मृति भ्रष्ट हो जाएं, तो हर संस्था जो है उसको निंदा करने लगे, जैसे ब्राह्मणों को किया। और ब्राह्मणों की प्रशंसा क्यों है शास्त्रों में, शास्त्रों में कहा है, अभी मैं वो संदर्भ यहाँ नहीं मिल रहा है मुझे, महाभारत में है और अन्य शास्त्रों में भी है, अभी मिल जाएगा अगर तो मैं ढूंढ के बता दूंगा। सब में कहा है कि ब्राह्मण इसलिए पूजनीय है कि सभी वर्ण और सभी कुल मूलतः ब्राह्मणों से ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा की संतान है तो सबसे पहले जो उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा के सीधे संतान हैं। फिर आचरण के अनुसार, गुणकर्म के अनुसार अथवा किसी दोष के अनुसार उनकी जातियां अलग अलग, कुल समूह अलग होते गए। तो ये जो ब्राह्मणों का सम्मान है, ये क्या है, अपने पूर्वज का सम्मान, जहां से हम पैदा हुए हैं। ब्राह्मण उद्गम है क्योंकि वो ब्रह्मा की संतान, पहली संतान जितनी हुई है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इसके बाद सारे ऋषि जो हैं, भार्गव अंगिरा जितने भी भृगुगण अंगिरा गण, ये जो मूल रूप से ऋषि गण है ना, तो सबके गोत्र वही हैं जो ऋषियों के हैं, क्योंकि सब ब्राह्मणों की संतान है। ब्राह्मणों की संतान ही गुण कर्म के अनुसार बाद में समाज में अलग अलग कुल समूह बनती गई, जिसे जाति कह देते हैं। इसलिए हिंदू समाज ब्राह्मणों का सम्मान करता है। ब्राह्मणों का सम्मान का क्या अर्थ है, अपने मूल का सम्मान, अपने मूल कुल का सम्मान, अपने मूल पूर्वजों का सम्मान। तो ये ब्राह्मणों पे अटैक किया, ब्राह्मण शास्त्र उसमें से जो
ब्राह्मणों में से जो लोग शास्त्र आदि की रक्षा करते थे, शास्त्र का अध्ययन अध्यापन करते थे, उन पर अटैक शुरू कर दिया। फिर वो भी ऐसा हुआ कि वो ब्राह्मण जाति भी बन गए, तो उन पर भी आक्रमण शुरू हुआ। इसका उद्देश्य केवल यह है कि हिंदू समाज में अटल कंफ्यूजन फैल जाए। न तो संसार के बारे में जानते, यानी ईसाइयों में इतने सारे सेक्ट हैं, कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, फिर कैथोलिकों के भी सैकड़ों सेक्ट हैं और प्रोटेस्टेंटों के भी कई सेक्ट हैं, कोई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन अलग है, सीरियन चर्च अलग है, और कितने सारे चर्च हैं इनके, एंग्लिकन चर्च अलग है, सबके अलग अलग सेक्ट हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं। कोई सेवेंथ डे एडवेंचरिस्ट बनता है, तो कोई कुछ बनता है, अपने आप को तरह तरह से अलग अलग सेक्ट में ईसाइयों ने विभाजित कर रखा है। इसके बाद फैमिली और हाउसेस, ये बड़े गर्व का विषय है सभी यूरोपीय समाज में, हम किस हाउस के हैं इसका। मुसलमानों के सारे फिरके हैं, और इसके बाद शिया, सुन्नी, बहाबी, इस्माइली, ये संप्रदाय तो है ही हैं जिसमें एक दूसरे को मार डालते हैं, लेकिन अगर शिया या सुन्नी है उसके भीतर भी खानदान शब्द उन्हीं का आया है ना। खानदान शब्द मुसलमानी उर्दू शब्द है ना, फारसी शब्द है, तो सारे मुसलमान खानदान पर गर्व करते हैं। तो ये जो नेता है, ये मूर्ख नेता, बौद्धिक रूप से महामूर्ख नेता, ये खानदान के विरोधी नहीं है, यानी मुस्लिम खानदान इनके लिए नेचुरल है, यूरोपियन हाउसेस इनके लिए नेचुरल है, हाउसेस नेचुरल है, चर्च के सेक्ट नेचुरल हैं, खानदान नेचुरल है, मुसलमानों के फिरके नेचुरल हैं, और उनके अलग अलग जो सब शिया, सुन्नी, बहाबी, इस्माइली आदि हैं वो भी नेचुरल हैं। हिंदुओं में कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए, हिंदू का न वर्ण होना चाहिए, न कुल समूह होना चाहिए, कोई पहचान ही नहीं होनी चाहिए, हिंदू फेसलेस होना चाहिए। जैसे माओजे दुंग ने कहा था ना कि सैकड़ों फूलों को साथ साथ खिलने दो ताकि हम उन्हें एक साथ काट सकें, बिन सकें, तोड़ सकें। तो ये हिंदू समाज जाति विहीन, संप्रदाय विहीन, कुल की पहचान विहीन रहे ताकि पार्टी वाले उनको फल की तरह या निर्जीव वस्तु की तरह बिन सकें, चुन सकें। तो ये तो इनका माइंड, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे, इसीलिए चुनाव के समय सदा हर पार्टी जाति का समीकरण करती है। मैंने किस जाति का, अर्थात किन कुलों का किस इलाके में प्रभाव है। सारे जो कैंडिडेट बनाए जाते हैं वो कास्ट का कैलकुलेशन करके, कास्ट तो इनका शब्द है, कुल समूह और उसका कि किस कौन किस इलाके में प्रभावी है। तो ये काफी नेचुरल है, वो तो फैमिली बेस्ड नेचुरल है, लेकिन फिर इसको आप भाषण में गाली क्यों देते हैं। जो नेचुरल है प्रैक्टिकली वही करते हैं, मैंने कहा ना प्रैक्टिकली ये लोग बहुत होशियार हैं। हाँ। भारत के नेता इन प्रैक्टिस वाइजेस्ट पीपल हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन शास्त्रों के विषय में, सिद्धांत के विषय में महामूर्ख। दुनिया में कोई नेता इतना मूर्ख नहीं है जो भारत के नेता है। ये लोग तो शास्त्रों को रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं पुराण छेपक है, फिर उसके बाद रिजेक्ट करने का भी इनमें दम नहीं है। रिजेक्ट इनके दलाल करते हैं, जो इनके पाले हुए इंटेलेक्चुअल है ना, जेब में पड़े हुए, जिनको टुकड़े चाहिए, और कुछ अफसर जो ब्यूरोक्रेसी शुरू में आई, वो चूंकि ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी, इन्होंने नई ब्यूरोक्रेसी बनाई नहीं, तो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी क्रिश्चियन माइंडेड थी और फिर मुस्लिम माइंडेड। एक सरदार पटेल जी बोलते हैं मुस्लिम फेवर करती थी, मुस्लिम फेवर भी करती थी। अरे मुस्लिम कुछ ज्यादा तूल दिया जा रहा है, सरदार पटेल ने स्वयं कुछ नहीं सोचा ब्यूरोक्रेसी के बारे में। देखिए सरदार पटेल को भी अब एक उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसको। नहीं, सरदार पटेल स्वयं अंग्रेजों के बहुत बड़े प्रशंसक थे और ब्रिटिश सिविलाइजेशन के प्रशंसक थे। सरदार पटेल को अब ऐसा ग्लोरीफाई किया जा रहा है जैसे वो बड़े हिंदू हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सरदार पटेल वाज ए बैरिस्टर, वेल वर्स्ड इन एंग्लो सेक्शन, एंग्लो क्रिश्चियन लॉज, और उनको हिंदू शास्त्रों का सरदार पटेल को भी कोई ज्ञान नहीं था। झूठ बोल के हमारे नेता आपस में ही बांटते हैं। नेहरू और सरदार पटेल में टैक्टिक्स को लेकर मतभेद था, शास्त्रों में दोनों की एक समान गति थी। सरदार पटेल ने कभी हिंदू धर्मशास्त्रों का सहारा नहीं लिया, जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने धर्मशास्त्रों के मामले में विरोध नहीं किया, मुसलमानों से ट्रीटमेंट के मामले में विरोध किया। तो ये तो बहुत छोटी चीज है ना, हाउ टू ट्रीट दी सो कॉल्ड मुस्लिम्स, है ना, अपने को मुसलमान कहने वाले और इलीगल एक्टिविटी में लगे हुए लोगों से कैसे ट्रीट करें, इस पर जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल में मतभेद था। लेकिन
हिंदू धर्मशास्त्रों के विषय में नेहरू पटेल सबकी एक ही बुद्धि थी और पटेल ने कहीं जाति के पक्ष में नहीं कहा है। प्रैक्टिकली ये लोग जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जो बहुत ही स्वस्थ बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये थ्योरेटिकली केओटिक है, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जाति खत्म करो, जाति ये करो, मतलब एक झूठ का भंडार। लेकिन उससे भी दिक्कत नहीं है, इसके बाद ये प्रैक्टिकली स्टेट के रिसोर्सेस का और स्टेट की पावर का मिसयूज करते हैं, कुछ जातियों के विरुद्ध और कुछ जातियों के अनुचित पक्ष में। रिजर्वेशन क्या है, कुछ जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनका एक बड़ा चंक, बड़ा हिस्सा कुछ जातियों के पक्ष में एक तरफा हस्तांतरण करना, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ नेशनल रिसोर्सेज इन फेवर ऑफ सम कास्ट, कुछ जातियों के पक्ष में राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण करना, और ये सब छल करने के लिए कि हम इनको उबलाइज करें तो ये हमको वोट देंगे, ये दूसरों को ठगते हैं। तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च जाति के वैश्यों को ठगने के लिए जाति की निंदा की जाती है कि उनको भ्रम आ जाए कि अरे राष्ट्र, क्योंकि वो सब लोग राष्ट्रभक्ति के कारण सोचते हैं चलो कुछ कष्ट सह लो। तो ये भारत के किसी भी दल में सच्ची राष्ट्रभक्ति नहीं है, उसके मन में क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है, जो कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट है, वो जाति को ही क्लास बना लिया है। ये सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस विषय में मूर्खता की, मैं लोहिया का शिष्य था लेकिन जब बड़ा हुआ तब पता चला कि लोहिया वाज टोटली फुलिश इन दिस एस्पेक्ट, उन्होंने जाति को क्लास कह दिया। अब इसके बाद ये लोग क्लास स्ट्रगल के स्थान पर जाति स्ट्रगल कर रहे हैं और जातियों में संघर्ष, जाति युद्ध, जाति संघर्ष, जाति घृणा, जो मार्क्सवाद का है ना, क्लास स्ट्रगल, क्लास वार, क्लास हेट्रेड, उसकी जगह ले ली कास्ट स्ट्रगल, कास्ट वार, कास्ट हेट्रेड। अब क्या है कि भाजपा प्रैक्टिकली ये सब कुछ नहीं करती, इन प्रैक्टिस भाजपा ना तो कास्ट हेट्रेड को बढ़ाती, ना कास्ट वार को बढ़ाती, ना कास्ट स्ट्रगल को बढ़ाती, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर तो आप कास्ट वार कर रहे हैं ना। रिजर्वेशन क्या है, कास्ट वार का यानी क्लास वार का एक टूल, जिस क्लास को हम मोबिलाइज करने चाहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज जिसके फेवर में ले जाना चाहते हैं, उसको हमने कह दिया कि ये झूठ बोल दिया कि शताब्दी, जैसे मार्क्स ने कहा कि कुछ लोग जो सभ्यताओं का जो विकास करते हैं वो तो धूर्त होते हैं, झूठे होते हैं, जो वाइज आदमी है वो एक्सप्लॉयटर होते हैं और जो वाइज नहीं है वो बेचारे सीधे साधे होते हैं, या कि वो एक्सप्लॉयट होते हैं, एक्सप्लॉयटेड होते हैं, उनमें अकल कम होती है। तो इसी प्रकार इन्होंने ये बना लिया है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो शोषक हैं, वो तो दूसरों का शोषण करते हैं बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के, बिना कोई एक भी प्रूफ दिए ये चल रहा है। तो भाजपा के लोग भी जब तक आरक्षण चल रहा है तब तक आप नेशनल रिसोर्सेज का, राष्ट्रीय संसाधनों का यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक तरफा हस्तांतरण कर रहे हैं कुछ जातियों के पक्ष में और अन्य जातियों के विरोध में। तो ये क्लास स्ट्रगल का इंडियन रूप है, वर्ग संघर्ष को भारतीय रूप दे दिया है और उसे जाति संघर्ष कर दिया है। ये लोहिया ने शुरू किया, फिर जेपी ने जारी रखा और अब भाजपा, मोदी सब इसे जारी रखे हैं। ऐसा करते हुए ये राष्ट्रीय एकता कैसे संभव है, असंभव है, क्योंकि यूरोप में जातियों के आधार पर ही नेशन स्टेट है ना, एंग्लो सेक्शंस का एक ब्रिटिश स्टेट है, गॉल लोगों का फ्रांस है, पोल लोगों का पोलैंड है, हूण लोगों का हंगरी है, तो स्विस लोगों का स्विट्जरलैंड और स्वीडन है, मगयार, माने कास्ट जाति के आधार पर ही यूरोप में नेशन स्टेट है। तो भारत के शासक भारतीय राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं। अगर भारत में हिंदुओं में इतने गहरे संस्कार राष्ट्रभक्ति के नहीं होते और धर्म के, तो अब तक ये राष्ट्र बीसों टुकड़े में बट जाता, क्योंकि यूरोप की नकल में हर जाति जो शक्तिशाली होगी वो अपना एक अलग नेशन स्टेट बना लेगी। और ये कास्ट स्ट्रगल को बढ़ावा देके दे आर ट्राइंग टू ब्रेक द नेशन स्टेट इनटू पीसेस, बिना जाने, विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस फुलिशनेस। क्योंकि कास्ट स्ट्रगल क्या करेगा, कम से कम 50 नेशन स्टेट हो जाएंगे, ब्राह्मण नेशन स्टेट अलग होगा, छत्री नेशन स्टेट अलग होगा, यादव नेशन स्टेट, कुर्मी नेशन स्टेट, वो चमार नेशन स्टेट और स्वीपर्स नेशन स्टेट, आप क्या, कौन सा नेशन स्टेट बना रहे हैं। अगर कास्ट
को आप रियलिटी बता रहे हैं तो आप यू आर ब्रेकिंग द इंडियन नेशन। कास्ट इस रूप में रियलिटी है ही नहीं है कि वो अल्टीमेट रियलिटी है भाई, वो तो ग्रुप ऑफ फैमिलीज हैं और बाकी शास्त्र के आधार पर, गुणकर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन है। तो जो एक इमेजिनरी चीज पादरियों ने रची, कम्युनिस्टों ने बढ़ाया, उसको भारत की सब पार्टियां, भाजपा सहित सारी पार्टियां ढो रही हैं, तो ये बहुत भयंकर है। इसका उदाहरण क्या है, शुरू में अंग्रेजों ने अनटचेबल्स को, उन्होंने सोचा कि जैसे इंग्लैंड में सर्फ जो है 98% थे और जो वास्तव में रियल ओनर्स हैं वो तो 2% थे, 2.5%, तो उन्होंने अनटचेबल्स की जनगणना सेंसस कराया, तो पहले ही गणना जो थी 1881 में उसमें अनटचेबल्स 2.5% निकले। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं ये अनटचेबल्स तो बहुत कम है, 2.5% को अगर आप किसी सोसाइटी के 2.5% को शोषित बताएं तो ये संसार का सबसे आदर्श समाज होगा, क्योंकि संसार में आज भी ऐसा कोई समाज नहीं है जहां 30-40% लोगों के साथ अन्याय नहीं होता हो, तो 2.5% तो कोई बात ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा, बैठ के दिमाग लड़ाया कि रजिस्टर में उन जातियों का नाम लिखो जो अनटचेबल्स के अगल बगल हैं। तो उस रजिस्टर में जिन जातियों का नाम लिखा अपने चाटुकारों से सलाह लेके, उसको शेड्यूल कास्ट कर दिया। शेड्यूल माने लिस्टेड इन रजिस्टर, तो शेड्यूल कास्ट या SC क्या है, लिस्टेड इन ब्रिटिश रजिस्टर। अंग्रेजों ने अपनी रजिस्टर में जिनको लिख दिया वो शेड्यूल कास्ट हो गए। फिर अगली गणना शेड्यूल कास्ट की कराई तो वो 14% निकले, तो उन्होंने कहा 14% भी बहुत कम है, अगर किसी सोसाइटी में 14% के साथ भी अन्याय हो रहा हो तो वो दुनिया की आदर्श सोसाइटी है, क्योंकि यूरोप में तो 40% 50% के साथ अन्याय होता है। 60% के साथ। फिर इन्होंने सोचा, फिर वो कांग्रेस आई तो उसने कहा ट्राइबल्स, उन्होंने ट्राइबल कह दिया, जो हमारे वनवासी भाई थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया। लगातार ग्रुपिंग चल रही, पहले ऐसा कोई ग्रुप था ही नहीं, वनवासी नाम की कोई जाति भारत के किसी शास्त्र में अलग से वर्णित नहीं। ये वर्ड मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। सपोज मैं शहर में नहीं रहना चाहता, मैं वन में रहना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं भी वनवासी हो गया फिर तो नहीं। और हिस्टोरिकल फैक्ट देखिए ना कि महारानी दुर्गावती जो है वो तो चंदेल क्षत्रियों की लड़की थी ना, करेक्ट, माने तेजस्वी चंद्रवंशी क्षत्रिय, चंदेलों की बेटी महारानी दुर्गावती, वो किसको ब्याही गई, गोंड राजा को, जिन्हें ये ट्राइबल कहते हैं, यानी सारे जिनको ये अंग्रेजों ने ट्राइबल कहा और अंग्रेजों की काली संतान है, कांग्रेसी सोशलिस्ट और भाजपाई जिनको ट्राइबल कहते हैं, उन सब के यहाँ क्षत्रियों की संतानें जाती थी अगर वो राजा हैं तो, है ना। स्वयं महारानी दुर्गावती प्रतापी रानी, इतनी प्रतापवान साम्राज्ञी भारत की, जिसने अकबर, वस्तुतः अकबर हार गया था उससे, केवल वो घायल हुई थी। बाद में गोंडवाना पर अकबर का शासन कभी नहीं रहा, लगातार महारानी दुर्गावती के वंशजों का शासन रहा। तो वो तो गोंड को ब्याही गई ना, यानी चंदेल की बेटी गोंडों को ब्याही जा रही है और ये कह रहे हैं कि वो अलग जाति, ट्राइबल कह दिए। अच्छा, तो भी देखिए, तो भी वो 8% हुए, तो 22% हुए अभी भी, 14.5-8.5%। तब सारी पार्टियों ने मिलके, यानी भाजपा और कांग्रेस ने मंडल कमीशन को लागू कर दिया। मंडल कमीशन में वो जो VP मंडल है वो बहुत बदमाश व्यक्ति है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बहुत ही झूठा और बदमाश और कनिंग आदमी था। उसने जानबूझकर दो दो गांव हर जिले से बिहार के चुने, जिनमें वो जातियां थी जिनकी, जिनको वो चाहता था कि वो OBC दिखाए, फिर उनका टोटल गलत कर दिया। जिसका टोटल 37% आता था उसका टोटल 42% बता दिया। ये मैंने अपने लेखों में लिखा है, उस जो पुस्तक, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक में जो टोटल दिया है, जिसका 37 होता है उसका 42 लिखा है। इसके बाद उसने कहा कि सारी माइनॉरिटीज आर्बिट्रेरी, अपने मन से कह दिया कि सारे मुसलमान और ईसाई का 60% पिछड़ा है, बैकवर्ड है, और ऐसे करके 14% जोड़ दिया, तो 42 में 14 जोड़ दिया 56। अब 56% हम हैं, इसलिए हमको रिजर्वेशन दिया जाए 25% या 30% जो भी। यानी झूठ का कारोबार, जिन जातियों के पास गाय, बैल, भैंस, घोड़े, ऊंट थे, बकरी थी, जिनके पास कृषि पशु हैं, जिनके पास लाखों एकड़ खेत हैं, उन सबको बैकवर्ड कह दिया। जो दावा करते थे कि यादवास थ्रू द एजेस पुस्तक है, जो
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एक यादव प्रोफेसर ने लिखी है। उसका कहना है कि वैदिक काल से 16वीं शताब्दी तक लगातार भारत में सबसे बड़े हिस्से में हमारा राज्य रहा, और उस पुस्तक को मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, राम नरेश यादव, चंद्रजीत यादव सब ने समर्थन और प्रशंसा की है। यानी एक और जो जाति दावा कर रही है कि हम भारत के हजारों साल शासक रहे हैं, वो अपने को बैकवर्ड दिखा रही है। इसी तरह कुर्मी जाति है, काछी जातियां हैं, ये जातियां बहुत ही कृषि क्षेत्र की बहुत शक्तिशाली जातियां हैं, ये भी पिछड़े हैं। इस तरह से उसने मंडल कमीशन ने एक झूठी रिपोर्ट लिखी वैद्यों को भी, और जो महापात्र होते हैं जो मृत्यु के बाद क्रियाकर्म कराते हैं, जिनको सब लोग सम्मान के साथ प्रणाम करके दान देते हैं, उनको भी ओबीसी बता दिया। तो कुछ वैश्य जातियों को भी ओबीसी बता दिया, क्यों, किसी तरह संख्या करना है। तो ये हिंदू समाज को नष्ट करने की योजना से बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की एक झूठी रिपोर्ट तैयार की। इसके पहले काका कालेलकर ने भी एक गलत रिपोर्ट तैयार की थी, ये कांग्रेसियों के इशारे पे, इंदिरा गांधी के इशारे पे, और अब ये झूठ का महाजाल चल रहा है। ये सब सदा के लिए प्रताड़ित हैं। और दूसरी ओर भाजपा का तो और मजेदार है, स्वयं मोदी जी ने, धर्मपाल जी ने, और अंग्रेजों ने जो एक रिपोर्ट लिखी थी जिसको धर्मपाल ने छापा है, उसके पहले जेपी नायक ने छापा था, बहुत से लोगों ने छापा है, जिसमें ये लिखा है कि 19th century के बिगनिंग में, 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के हर गांव में एक पाठशाला होती थी, बड़े गांव में एक से अधिक पाठशाला होती थी, शहरों में अनेक पाठशालाएं होती थी, उनमें हर जाति के विद्यार्थी पढ़ते थे और हर जाति के शिक्षक पढ़ाते थे, केवल वेदों का शिक्षण ब्राह्मण करते थे। एक अपवाद है, वैदिक शिक्षण ये ब्राह्मणों का एकाधिकार था, बाकी सब दिया। और ये जनरल नहीं लिखा है, उसने जातियों के नाम दिए हैं, सारी जातियों का नाम, जिन जातियों के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम दिया है उसमें, सब जातियां, आप किसी भी जाति का नाम लीजिए, सब जातियां उसमें हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, तथा कथित शिल्पी जातियां, शूद्र जातियां, और जिन्हें स्वीपर आदि कहते हैं, बहुजन समाज अब अपने को कहने लगे, सारी जातियों के छात्र पढ़ रहे हैं और इन सब जातियों के टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत की हर जाति का विद्यार्थी पढ़ता था और हर जाति के अध्यापक पढ़ाते थे, एक और आप ये छाप रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं हजारों साल से अन्याय हुआ, और ब्राह्मण जितने गरीब हैं, और कुछ भूतपूर्व राजकुमार लोगों के परिवार में भी बहुत गरीबी आई, क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों बहुत गरीब जातियां हैं, इसमें थोड़े से लोग शक्तिशाली हैं उनका उल्लेख करते हैं, ब्राह्मणों में सबसे बड़ी संख्या गरीब है। बनारस में ब्राह्मण स्त्रियां वैश्यों और अन्य जातियों के भी दुकानों में झाड़ू लगाती हैं, मेरे आंखों के देखा है, वो उनका जूता भी उठा के साफ कर देती हैं। और ये कहां, किस युग में रह रहे हैं कि अभी भी ब्राह्मणों का शोषण है, ब्राह्मण शोषक हैं, और वो अपने आप को अहंकार, काहे का अहंकार, हमारे घर की स्त्री, ब्राह्मण जाति की स्त्री घर में झाड़ू लगा रही दूसरे के घर में, दुकान में, और वो भी काशी में, बनारस में, और जूते उठा के रख रही है क्योंकि उसको मजबूरी है, और आप कह रहे हैं कि ये जातियां जो हैं ये शोषक हैं, और हम जिसके पास सैकड़ों एकड़ खेत हैं, जिसके पास बहुत ही शक्तिशाली बैल हैं, गायें हैं, बकरी हैं, भेड़ है, ऊंट है, घोड़ा है, संपत्ति है, वो सब शोषित हैं, तो ये किस आधार पर कह रहे हैं? और चुनाव के समय स्वाभाविक है, वो तो नेचुरल है कि जाति का विचार करते हैं कि कौन शक्तिशाली। तो बौद्धिक रूप से अराजक हैं हमारे भारत के नेता, बौद्धिक रूप से अराजक हैं, कोई भी इनके किसी कथनी में आप कोई संगति नहीं देख सकते, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे, जाति को पुरस्कृत भी करेंगे, जाति की निंदा भी करेंगे, भारत की, राष्ट्र की एकता की बात करेंगे, और राष्ट्र के रिसोर्सेस को कुछ जातियों के पक्ष में एक तरफा ट्रांसफर करते हैं, दूसरी जातियों का हक छीनते हैं, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च कुल के वैश्यों के संसाधन छीन कर, तथा कथित दलित और वंचित, जिनको बता दिया अपने मन से, आर्बिट्रेरी उनको दिया जा रहा है। तो ये तो राष्ट्र को तोड़ने वाली बात है, आप देश के संसाधन एक ग्रुप से छीन के, जिसमें ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और उच्च जातियों के वैश्य हैं, उनसे आपने राष्ट्रीय संसाधन छीन लिए, और इधर किसी को कह दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल क्या है, आपके रजिस्टर में लिखी कास्ट, किसी शास्त्र में तो शेड्यूल कास्ट शब्द है नहीं, शेड्यूल यानी रजिस्टर में दर्ज, तो आपने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्ण जाति, जनजाति,
जनजाति, अनुसूचित जनजाति, और अब अन्य पिछड़ा आ गए, अन्य पिछड़ा तो किसी को भी कह दी, तो ये तो जैसे कि कोई बौद्धिक रूप से खोखले, किस मामले में, विचार और सिद्धांत के मामले में, प्रैक्टिकली वाइजेस्ट पीपुल अपना हिसाब किताब बैठाने में, कमीशन खाने में, अथवा कोई अर्थव्यवस्था में भी होशियार है। मोदी जी तो अर्थव्यवस्था में अद्भुत होशियार हैं और रक्षा मामले में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहे हैं, लेकिन समाज के विषय में मोदी जी भी टपोर संख है, ये कहना चाहिए, कुछ भी चिंतन नहीं किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आरएसएस की वजह से भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनको भी ज्ञान नहीं है? आरएसएस के पास न तो कोई शास्त्र है, ना ही उनका कोई ज्ञानी गुरु है, और ना ही कोई साधना की परंपरा है। तो आरएसएस इस विषय में एक राजनीतिक संगठन है जो दीर्घकालिक राजनीति कर रहा है। आरएसएस के आधार पर राजनीति करने वाले लोग मूर्ख हैं, और आरएसएस की निंदा करने वाले लोग भी मूर्ख हैं, मैं ये कह रहा हूं। आरएसएस हिंदू समाज की भुजा है, आरएसएस एक शक्तिशाली संगठन है, लेकिन किस चीज की शक्ति? वो लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश करने वाला एक विनम्र संगठन है। आरएसएस ने अपनी घोषणा कर रखी है सेवा। अब आरएसएस को आप विचार का संगठन मान लें तो ये गलती किसकी है जो माने? आरएसएस हैज नेवर क्लेम्ड दैट इट इज एन स्कॉलर्स ऑर्गेनाइजेशन। आरएसएस ने कभी दावा नहीं किया कि हम विद्या वाले लोग हैं। आरएसएस ने कभी दावा नहीं किया कि हम अध्यात्म साधना वाले लोग हैं। आरएसएस ने कभी दावा नहीं किया कि हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं। आरएसएस ने कभी ये दावा नहीं किया कि हिंदू समाज के समाज शास्त्रीय विश्लेषण का काम हम करेंगे या हमारे पास एक्सपर्टाइज है। आरएसएस ने यह भी दावा नहीं किया कि भारत की परंपरागत न्याय व्यवस्था और विधि व्यवस्था का कोई जानकार हमारे पास है, कोई है ही नहीं। तो आरएसएस के सिर पर मढ़ना भी गलत है। अगर भाजपा केवल आरएसएस पे निर्भर है, आरएसएस से सहयोग लेना बहुत आवश्यक है क्योंकि वो देश का एक महत्वपूर्ण संगठन है। अगर भाजपा चुनाव के लिए आरएसएस का सहयोग लेती है तो ये बहुत अच्छा काम, लेकिन अगर भाजपा विचार के लिए आरएसएस के पास जाती है तो ये तो मूर्खों के लक्षण है। आरएसएस ने कभी दावा ही नहीं किया कि हम विचार का काम करेंगे। आरएसएस हैज नेवर क्लेम्ड दैट इट इज एन इंटेलेक्चुअल्स फोरम और इट इज एन स्कॉलर्स ऑर्गेनाइजेशन और इट इज शास्त्रज्ञों का कोई समागम है, शास्त्रज्ञों का कोई केंद्र है। आरएसएस ने तो कोई दावा ही नहीं किया, इसलिए आरएसएस पर, आरएसएस को दोष देने का जो चलन चला है ना, ये भी जो ईर्ष्या द्वेष की राजनीति है उसका फल है। आरएसएस का कोई दोष नहीं है, उसका एक लिमिटेड रोल है हिंदू समाज को जोड़ने की कोशिश करना। अब ये अलग बात है कि इसको जोड़ते जोड़ते आजकल मोहन राव भागवत जो है वो मुसलमानों को हिंदुओं से जोड़ने में ज्यादा, या मुसलमानों से हिंदुओं को जोड़ने में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं, लेकिन 77 वर्षों तक आरएसएस का बहुत सुंदर काम था हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश करना। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि राज्य कैसे चलेगा ये हम बताएंगे। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि राजनीति शास्त्र के ज्ञाता विद्वान हमारे पास हैं। आरएसएस ने कभी नहीं कहा कि अध्यात्म साधना के दिग्गज हमारे पास हैं। वो तो सबके शंकराचार्य के पास जाते हैं, आचार्यों के पास जाते हैं, अभी वृंदावन गए थे। आरएसएस का कोई दोष नहीं है। अगर भाजपा के शासक शास्त्रों के विषय में, ज्ञान के विषय में, समाज शास्त्र के विषय में, राजनीति शास्त्र के विषय में आरएसएस के पास जाते हैं तो इसका मतलब वो अपने अज्ञान को छिपाते हैं और किसी के पास नहीं जाने के लिए आरएसएस का बहाना लेते हैं। आरएसएस इज नॉट एन अथॉरिटी अबाउट सोसाइटी और धर्मशास्त्र। आरएसएस हैज नेवर क्लेम्ड दैट इट इज एन अथॉरिटी अबाउट शास्त्र एंड धर्म। लेकिन आजकल क्या होता है कि ये लोग आरएसएस के थ्रू ही ऊपर आते हैं, एबीवीपी और इनके थ्रू ऊपर आते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये लोग उसमें क्या गलत है? उसमें क्या गलत है? बट वो ट्रेनिंग उनका उस तरह का है, ट्रेनिंग उस तरह का है कि विश्वास रहो शास्त्रों में, उसमें कोई गलत नहीं है। किसी का भी सहारा, जैसे हम लोग सैकड़ों सहारों से लोग राजनीति में आगे आते हैं, सहारा लेना गलत नहीं है, उनको वो मान लेना जो वो नहीं है। अगर आप आरएसएस को विचारक मान लेते हैं, अगर आप आरएसएस को ऋषियों का समूह मान लेते हैं, अगर आप आरएसएस को शास्त्र का स्रोत मान लेते हैं, तो ये गलती आपकी है। आरएसएस विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद, ये सब क्या है? ये सपोर्टिंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर कोई पार्टी इनका सहारा लेती है तो बहुत अच्छा है। कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया? आरएसएस ने तो कभी नहीं रोका था। कांग्रेस ने लेती आरएसएस का सहारा, कांग्रेस ने नहीं लिया,
अब वो भाजपा को लेने से रोक रही है, ये तो गलत बात है। भाजपा हैज एवरी राइट टू गेट सपोर्ट फ्रॉम आरएसएस एंड विश्व हिंदू परिषद एंड बजरंग दल एंड किसान संघ एंड विद्यार्थी परिषद एंड मजदूर संघ, एवरी राइट। सवाल ये है कि इनमें से किसी भी संगठन का नाम शास्त्र संघ नहीं है, इनमें से किसी भी संगठन का नाम राजनीति शास्त्रियों का संगठन नहीं। जो वो नहीं है वो उनसे क्यों डिमांड करते हैं? ये तो ऐसे ही है कि कल को हम प्रधानमंत्री से कहें कि आप सेनापति का रोल निभाओ, अत्याचार हो जाएगा ना। प्राइम मिनिस्टर सेनापति का मनोबल बढ़ा सकते हैं, सेनापति को मार्गदर्शन दे सकते हैं, नीति संबंधी मोटा मोटी निर्णय ले लेंगे कि चलो भाई मार भगाओ चीन को, या बहुत दिनों से उचक रहा है ये पाकिस्तान, जरा सबक सिखा दो, इतना कर सकते हैं। लेकिन वहां क्षेत्र में कैसे करना ये सेना तय करेगी, सेनापति तय करेगा। इसी प्रकार आरएसएस से भाजपा सपोर्ट लेती है, ये तो उसकी बुद्धिमत्ता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि हम आरएसएस से ज्ञान लेते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। भाजपा का कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि वो आरएसएस से ज्ञान लेता है तो इसका मतलब वो अपने अज्ञान को छिपाने के लिए झूठ बोलता है, क्योंकि आरएसएस ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि वो ज्ञान की संस्था है। अगर आरएसएस ने दावा किया होता कि वो ज्ञान की संस्था है तो वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिस प्रकार महामना मदन मोहन मालवीय जी ने खोला था उस प्रकार के कोई विश्वविद्यालय खोलती। आरएसएस का तो कोई विश्वविद्यालय नहीं है, आरएसएस के पास कोई लर्निंग सेंटर नहीं है, आरएसएस के पास कोई विद्या केंद्र नहीं है, आरएसएस के पास समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वित्त शास्त्र और धर्म शास्त्र पर कोई विद्वान प्रमुख व्यक्ति नहीं, आरएसएस का कोई पदाधिकारी धर्मशास्त्रों का शीर्षस्थ जानकार नहीं है, आरएसएस का कोई पदाधिकारी राजनीति शास्त्र का शीर्षस्थ जानकार नहीं है, आरएसएस का कोई पदाधिकारी भारतीय समाज शास्त्र यानी धर्मशास्त्र का शीर्षस्थ जानकार नहीं है। तो अगर भाजपा के लोग ये दिखावा करते हैं कि हम आरएसएस से प्रेरणा ले रहे हैं तो वो अपने अज्ञान को छिपा रहे हैं, इसमें आरएसएस का कोई दोष नहीं है। आरएसएस कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, और उसका हमने संविधान जो भी वो देते हैं काम चलाऊ शासन को उसको देखा है, उसमें कहीं कोई कम्युनिस्ट पार्टी बनने का लक्षण नहीं है। व्यवहार में अगर आरएसएस को लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी बना लिया है तो इसका मतलब जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ऐसे ही नेहरू के कारण भारत के सभी राजनेता सोवियत एडिक्ट हैं, वो कम्युनिस्ट पैटर्न पे राजनीति करने के अभ्यस्त हैं, उनको एक गाइड चाहिए। आरएसएस में पॉलिटिकल गाइडेंस की कैपेसिटी ही नहीं है। आरएसएस हैज नो कैपेसिटी टू गाइड एनीवन पॉलिटिकली, वो इसमें अक्षम है, उसने राजनीति शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, चाणक्य का अध्ययन नहीं किया, महाभारत का अध्ययन नहीं किया, वाल्मीकि रामायण का नहीं किया, शुक्र नीति का नहीं किया, बृहस्पति नीति का नहीं किया, याज्ञवल्क्य स्मृति का नहीं किया, मनुस्मृति का नहीं किया। आरएसएस कैसे कोई गाइड कर सकता है? आरएसएस सपोर्ट दे सकता है फॉर द कॉज ऑफ नेशन, राष्ट्र के कार्य के लिए जो अपेक्षाकृत अनुकूल पार्टी हो उसको समर्थन देना आरएसएस का कर्तव्य है और ये बहुत पुण्य कर्म है। आरएसएस यदि बीजेपी को सपोर्ट करता है तो ये पुण्य कर्म है। अगर कांग्रेस हिंदुत्वनिष्ठ बन जाती तो आरएसएस उसको भी सपोर्ट करता, ये भी एक पुण्य कर्म होता। आरएसएस का कोई दोष नहीं है, आरएसएस में धर्मशास्त्र का ज्ञाता कोई नहीं है, तो आप धर्मशास्त्र के लिए वहां क्यों जाते हो? हाँ, तो उन लोगों को ओपनली बोलना चाहिए कि हम लोगों को हमारा धर्म, हमारा हिंदू समाज धर्म से हमारा, हम हिंदू धर्म के ऊपर बात नहीं कर रहे, ये उनको भी बोलना चाहिए खुल के। और जो आपने तो पिछले शो में बोला भी है ये बात ओपनली, हाँ, बोली है कि वो हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो लेकिन लेकिन जो अगर हम बाकी राजनीति की बात करें, ये तो उनका धर्म है कि वो मनुस्मृति को पढ़े या अपने शास्त्रों को पढ़े ताकि वो सही से इस जाति के विषय पे उसका मिसयूज ना करे और अंग्रेजों के बनाए हुए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसको बाहर फेंका जाए, ओबीसी को भी बाहर फेंका जाए। तो सभी भारतीय समान है, सभी भारतीय चाहे किसी भी वर्ण से आए हों, हमारे तो राष्ट्रपति भी वनवासी समाज से है और वनवासी छत्राणी है, तेजस्वी छत्राणी, राजा रानी है, महारानी, चक्रवर्ती महारानी, हम उनको प्रणाम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू एक तेजस्विनी छत्राणी है, प्रणाम में है सब प्रकार। उनका उनका हाव भाव देखकर ही लगता है कि वो छत्राणी है, खड़े होने, चलने और बैठने में अभिजात्य है, वो एक अभिजात छत्राणी है, हम उनको प्रणाम करते हैं, मतलब ब्राह्मण के नाते हम आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीव।
हमारे यहाँ क्षत्रियों को ब्राह्मण अगर अभिवादन भी करता है तो कहता है महाराज कुमार चिरंजीव। तो हम द्रौपदी मुर्मू को अगर हम परंपरागत अभिवादन करेंगे तो हम कहेंगे महाराज कुमारी चिरंजीव सदा यशस्विनी हो, यशस्विनी हो, महाराज कुमारी यशस्विनी हो, द्रौपदी मुर्मू महाराज कुमारी यशस्विनी हो, आशीर्वाद है ब्राह्मण। उनका नाम भी बहुत सुंदर है, द्रौपदी नाम है, बहुत देवियों का नाम है वो तो। और सबसे सुंदर स्त्री थी द्रौपदी अपने समय में, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जिसका इतना सुंदर नाम है और जो मर्मज्ञ है, मुर्मू यानी मर्म की ज्ञाता, तो वो तो सब प्रकार से हमारा गौरव है द्रौपदी मुर्मू जी। और एक्चुअली क्या ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी कि आप तो आप जैसे दार्शनिक हैं भारत में, और बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हैं जो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, जो बोलते नहीं है, सब चुप रहते हैं, लेकिन ये समय ऐसा भी आ गया है कि हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां भी इलेक्शन होते हो वहां पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आगे आए और बात करें। क्योंकि आजकल जैसे अगर आप किसी MLA के भी छोटे से ऑफिस में जाते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है, लोग डर जाते हैं उनसे कि क्या कुछ नुकसान कर देगा, हमारी जॉब से निकलवा देगा। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जो न्यायालय रेल है और सोशल मीडिया है, उसकी वजह से लोगों को संरक्षण मिलेगा और लोग जाके इसके विषय में बोले कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में। और पहली बात तो जो बेनिफिट्स जो गवर्नमेंट देती है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होने के लिए, अभी तो बड़े बड़े जो मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कायस्थ समाज जो है, जो कि काफी पढ़ा लिखा समाज है, वो भी अपने आप को बोलता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में डालिए देखिए उनको आरक्षण मिले। मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा ऐसा सुन के। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। पहली बात तो ये है कि जो सबसे पहले आपने कहा वो इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी के दल मनुस्मृति पढ़ें, ये सब मांग करना चाहिए लेकिन ये पढ़ेंगे नहीं, दे आर इनकेपेबल फॉर दैट। लेकिन क्या भारत में हिंदू समाज में शास्त्रों के प्रति श्रद्धावान प्रबुद्ध लोग समाप्त हो गए हैं? कहते हैं कि भारत में रत्न गर्भ है तो क्या आप कोई पैदा ही नहीं होता? ऐसे लोग इकट्ठा होकर, जैसे संघ था, संघ दीर्घकालिक राजनीतिक संगठन है, पार्टी पॉलिटिक्स से परे, तो एक दीर्घकालिक राजनीतिक चेतना जगनी चाहिए कि जो लोग ये बात करें कि भाई तुम किसके प्रतिनिधि हो, अगर तुम आउटसाइडर और स्ट्रेंजर हो तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, वोट डालने से कुछ नहीं होता, अपनी बात कहना चाहिए तेजस्विता से। तो एक तो हिंदू धर्म के ज्ञाता विद्वान क्या हिंदू समाज में समाप्त हो गए हैं? अगर समाप्त नहीं हुए हैं तो वो ये जो राष्ट्रहित वाली राजनीति है, दीर्घकालिक राजनीति, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स जैसे कहेंगे, और पॉलिटिक्स कहो ही मत, उसे भूल जाओ, धर्म, राष्ट्र का जो धर्म है उसकी रक्षा के लिए धर्म के ज्ञाता और धर्म के प्रति विनयशील और धर्म के प्रति संवेदनशील प्रबुद्ध लोगों को आगे आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो जातियों का तमाशा चल रहा है, इसके तथ्य सामने लाते रहना चाहिए। किसी भी शासक को ये अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण कास्टवार या कास्ट स्ट्रगल के नाम पर करे। जातियों के बीच संघर्ष बनाना बढ़ाना राष्ट्रीय एकता को खंडित करना है, और भारत की सब पार्टियां कास्ट स्ट्रगल और कास्टवार को बढ़ावा देती हैं और कास्ट हेट्रेड को भी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति के विरुद्ध घृणा व्यक्त करता है तो उसे तत्काल संज्ञेय अपराध मानकर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणों के खिलाफ आए दिन गाली दी जा रही है, तो जो ब्राह्मणों के विरुद्ध इस तरह गाली देते हैं उनको संज्ञेय अपराध मानकर उन दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात जो आपने उल्लेख नहीं किया वो मैं बता दूं, आप समय हो रहा है, वो ये है कि एक नई रणनीति चल रही है। अभी कई जगह जो घटनाएं हुई उसमें पता चला कि वो तथाकथित अनुसूचित जाति के लोग थे जिन्होंने अपना सरनेम मिश्रा शुक्ला द्विवेदी वाजपेयी चतुर्वेदी त्रिवेदी आदि रखा था। तो ये ऐसा कुछ चल रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और शेड्यूल ट्राइब में तो अभी इतना चल नहीं आया है, आगे शायद आ जाए ईसाइयों के कारण, शेड्यूल कास्ट के लोग और OBC के लोग अपना सरनेम तो मिश्रा चतुर्वेदी द्विवेदी वाजपेयी त्रिवेदी ये सब रख रहे हैं, शुक्ला है, अथवा अपने को सूर्यवंशी छत्री चंद्रवंशी छत्री कहने लगे हैं।
ये झूठा अपने को ऊंची जाति का बता रहे हैं और रिजर्वेशन का लाभ भी ले रहे हैं। कल को ये स्वयं को, जैसा ये झूठ बोलने के अभ्यस्त हैं, ये स्वयं को तो कह देंगे कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, और जो परंपरागत ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं उनको कह देंगे कि ये कुछ भी निकाल देंगे, जिस तरह से झूठ बोलते हैं ना कि ये अंग्रेजों की संतान है, कुछ भी गाली देते हैं, तो ये कल को कह देंगे कि ये भारतीय हैं, ये भारतीय मूल के नहीं हैं, ये विदेश से आए हैं। तो ये इन लोगों की चाल चल रही है। इसलिए एक तो भारत में जातिगत संगठन बहुत शक्तिशाली होना चाहिए ताकि हमारी जाति में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करे। ब्राह्मणों के बहुत शक्तिशाली संगठन आवश्यक हैं ताकि चाहे जो अपने को ब्राह्मण न कह दे। अभी अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने आप को मिश्रा, चतुर्वेदी, शुक्ला आदि कहा है, और इसी प्रकार क्षत्रियों के शक्तिशाली संगठन हूँ, अभी भी क्षत्रियों के पास बहुत शक्ति है। तो जरा राजाओं को आप लोग भी ललकारिए कि वो कुछ क्षत्रियों का तो कम से कम संगठन करें, उनका काम तो संपूर्ण समाज का संरक्षण है, लेकिन क्षत्रियों का करें। और क्षत्रियों के पास, कुछ क्षत्रियों के पास अभी बल भी है, तो अगर कोई नकली क्षत्रिय बने तो उसको मारना पीटना चाहिए या उसको दंडित करना चाहिए। केवल कानूनी कार्रवाई क्यों, कई जगह क्षत्रियों के पास बल है तो उसका भी प्रयोग करें। तो ये, और वैश्यों को भी, अगर कोई नकली व्यक्ति वैश्य बनता है, उच्च वैश्य बनता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि वैश्य तो मारपीट नहीं करेंगे, तो अदालत में जाएं, कानूनी कार्रवाई करें। ये क्या हो रहा है, केओस, अराजकता फैलाई जा रही। कोई भी अपने को किसी जाति का कह देगा और उस जाति के लाभ लेने लगेगा। और कोई एक रणनीति चल रही है ईसाई पादरियों और कम्युनिस्टों और मजहबी उग्रवादियों की, कि तथाकथित अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोग धीरे धीरे अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वैश्य कहने लगे, और जो परंपरागत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनको वो कह दें कि ये अनार्य हैं, ये बाहरी हैं, ये विदेश से आए, ये यहाँ के ओरिजिनल नहीं हैं, ये मूल निवासी नहीं हैं, और उनको मार काट करेंगे। ये तो समय रहते चेतना चाहिए, और आरक्षण की नीति तुरंत बंद होनी चाहिए। पुनर्विचार की कोई बात नहीं है। आरक्षण के नाम पर आप राष्ट्रीय संसाधनों का एक तरफा हस्तांतरण कर रहे हैं, जो सब प्रकार से आपत्तिजनक है। तो ये कहने वाले लोग चाहिए जिनको कोई पद तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा जो कहेगा वो अभी चुना नहीं जाएगा, राजनीति में सफल नहीं होगा। लेकिन राजनीति में सफल आप क्यों होना चाहते हैं? अगर आपको भगवान ने पेट भर भोजन और एक छोटी सी भी छत दे दी है, कोई कोठरी भी दे दी है, तो सत्य कहने वाले हमारे यहाँ तो परंपरा रही है। तो जो लोग सत्य को कह सकें, सत्य के लिए कष्ट सहन कर सकें और शासन की इन नीतियों का सच्चाई समाज के सामने रख सकें और ये बता सकें कि भाई ये तो स्ट्रेंजर और आउटसाइडर हैं, ये अपने आप को वोट के आधार पे भारतीय कह देते हैं, बट दे आर स्ट्रेंजर एंड आउटसाइडर टू इंडियन सोसाइटी। भारत में भारतीय समाज, विशेषकर हिंदू समाज के लिए अजनबी और बाहरी लोग नेता बने हुए हैं। इसमें बौद्धिक रूप से अजनबी और बाहरी स्वयं नरेंद्र भाई मोदी भी हैं, भले वो प्रचंड जनमत से जीते हैं, लेकिन उनकी बहुत सी बातें अजनबी और बाहरी व्यक्ति की तरह होती हैं। अभी भी उन्होंने एक कुछ को तो कह दिया कि अगर आप शेड्यूल कास्ट ने किसी शिकायत कर दी कि इसने हमको गाली दी है, तो बिना जांच के उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार स्त्रियों को लेके बना दिया है, एक स्त्री ने मुझ पर झूठा अभियोग लगा दिया, जो पहले रोज मुझे पिताजी कहती थी, पैर छूती थी, और शासकीय से एक शासकीय आवास, एक संस्था थी शासन द्वारा वित्त पोषित, मैं उसका निदेशक था, डायरेक्टर था, तो उसका एक घर खाली पड़ा था, उसमें घुस गई अपने पति के साथ। जब हमने कहा कि निकल जाओ नहीं तो पुलिस बुलाएंगे, थोड़ा धमकी दे दी, तो उसने फट से कह दिया कि ये मेरे साथ बलात्कार की कोशिश कर रहा है। वो तो संयोगवश उस समय उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही अच्छे पुलिस अधिकारी थे, आदरणीय श्री राम नारायण सिंह जी, जो IPS हैं, तो उनके निर्देश पर सच्ची जांच हो गई, तो पता चल गया, पूरे मोहल्ले के इलाके के लोग आके गवाही दे दिए कि ये झूठ बोल रही औरत, इन्होंने तो दया करके इसको वैसे नहीं निकलवाया गार्ड से, पुलिस से निकलवाने कहा, ये जबरन घर में घुसी थी, जिसका उस संस्था से, सरकारी विभाग से लेना देना नहीं था, वो घर में कब्जा कर ली और मोदी जी के बनाए कानून के अनुसार वो मुझे जेल भिजवा रही थी झूठा आरोप लगा के। तो इस तरह बिना जांच पड़ताल के कोई स्त्री आरोप लगा दे या कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति आरोप लगा दे, तो आप बिना जांच के जेल ले जाएंगे, ऐसा पुलिस को अधिकार दे दिया है। तो कोई पुलिस का अच्छा अधिकारी होगा, वो तो जांच का, प्रिलिमिनरी जांच का सबको अधिकार है, तो रोक देगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो उन्हीं जातियों का हुआ, या आजकल स्त्रीवादी बहुत हो रहे हैं शासक, तो कोई स्त्री पुलिस अधिकारी हुई
तो वो तो बस इसी से चिढ़ जाएगी कि स्त्री का हम पक्ष लेंगे, और जो अनुसूचित जाति का अधिकारी होगा वो कहेगा हम अनुसूचित जाति का पक्ष लेंगे। अधिकारियों में भी जातिवाद आ रहा है, तो आप ऐसे कानून ही क्यों बना रहे हैं जिसमें बिना जांच के किसी को जेल में डाला जा सके। तो ये सब सोचना चाहिए। इस मामले में स्वयं मोदी जी आउटसाइडर और स्ट्रेंजर हैं भारतीय चेतना के लिए, भारतीय मेधा के लिए, भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए, भारत के भौतिक और आर्थिक और रक्षात्मक हितों के लिए वो हमारे प्रतिनिधि हैं, सब प्रकार से अभिनंदन के योग्य हैं। आर्थिक उन्नति हो रही है, रक्षा मामलों में अभूतपूर्व कार्य हो रहे हैं, भारत का सारे संसार में यश हो रहा है, इसके लिए मोदी जी अभिनंदन के योग्य हैं। लेकिन ये जो कानून बने हैं और ये जो कास्ट स्ट्रगल, कास्ट वार चल रहा है, कास्ट हेट्रेड चल रहा है, कहते हैं हम 140 करोड़ हमारे परिवारजन हैं, आपके परिवारजन हैं, और आपके परिवारजनों के एक हिस्से को आप सारा धन दिए दे रहे हैं। ऐसा पहले होता था, हमारे एक बाबा थे, पितामह है, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को सारा धन दे दिया और हमारे पिताजी छोटे भाई से धन कम कर दिया। तो मोदी जी भी उन्हीं की तरह हैं। माने आप कहते हो कि 140 करोड़ हमारे परिवारजन हैं, तो उसमें से मुसलमान, ईसाई और सो कॉल्ड अनुसूचित जाति और ओबीसी, इनको तो आप विशेष संरक्षण दे रहे हैं। राष्ट्र के संसाधनों में सबका अधिकार है, आप कैसे है इस राष्ट्र के संसाधनों का बड़ा हिस्सा ओबीसी और एससी और एसटी को किस आधार पर दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? तो ये आउटसाइडर और स्ट्रेंजर की तरह आचरण है, अथवा अन्यायी शासक की तरह आचरण है, अथवा पक्षपाती बुजुर्गों की तरह, पक्षपाती पूर्वजों की तरह आचरण है। ये ठीक नहीं है राष्ट्र के लिए। जैसा वो सेना और अर्थनीति और सुरक्षा और विदेश मामलों में काम कर रहे हैं, वैसा ही आंतरिक मामलों में धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर, समाज शास्त्र यानी धर्म शास्त्र के आधार पर कार्य करना चाहिए, यही कहना। थैंक यू वेरी मच आपका शेयर करने के लिए। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ मोदी जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सभी सिटीजन्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी सरकार तो एक एक दायरे में काम करती है सरकार, तो ये सिटीजन्स का भी काम है कि सिटीजन्स जाए और इलेक्शन के समय लोगों को जागरूक करें कि जातिवाद, जी जो जातिवाद का षड्यंत्र है वो क्रिश्चियन है, उसके भारत से कोई संबंध नहीं है, कम्युनिज्म है, इस्लामिक षड्यंत्र है वो, और उससे हिंदुओं को बांटने की कोशिश की जाती है। भारत के 140 करोड़ लोग हिंदू ही है, चाहे बोले या ना बोले, उसमें से कुछ वेरी स्मॉल माइनॉरिटी जो है अपने आप को जो मुसलमान मानसिकता वाले मानते हैं, तो वो तो एक छोटा माइनॉरिटी है। और मैं तो यहाँ पे बहुत सारे मुसलमानों को मैंने देखा है जो गीता पढ़ते हैं, बहुत सारे कुछ लोग मनमानी काम करने के लिए अपने को मुसलमान कह देते हैं, है ना, अपनी रक्षा कानून से बचने के लिए, जैसे धर्मेंद्र ने मुसलमान मुल्क शादी कर ली। ऐसे भी और मोदी जी का नाम केवल इसलिए ले रहे हैं कि वो समर्थ सम्राट हैं, है ना, राजा हैं। इसे तो सब हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। और एजुकेटेड इंफॉर्मेशन ले, और भारत के जो वोटर्स हैं काफी एजुकेटेड है, मतलब अगर भारत के वोटर्स को दूसरे देशों के वोटर्स से कंपेयर करें तो भारत के वोटर्स जो है वो काफी इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं, और मोस्ट ऑफ द डिसीजन लेते हैं, मतलब बिहार या कुछ अदर के पॉलिटिक्स को आप छोड़ दें, वो तो वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स है, लेकिन ज़्यादातर डिसीजंस होते हैं डेवलपमेंट पे कि कितना रोजगार है, उसी में डिसीजंस होते हैं ज़्यादातर। और उसको जाति से डिस्कनेक्ट करें थोड़ा सा, और एक अच्छे शासक को लेकर आए, अभी जैसे अभी तो राजस्थान में गवर्नमेंट बदली है, मध्य प्रदेश में बदली है, और केरल की गवर्नमेंट भी बदलनी चाहिए, क्योंकि केरल की गवर्नमेंट जो है वो एक आरक्षण के नाम पर हिंदू विरोधी कार्य करती है और अन्याय कर रही है, बहुत अन्यायी और अधर्मी। तो वहां पर ये ऑर्डिनरी सिटीजन का काम है कि वो जाके लोगों को एजुकेट करें, वोटर्स को एजुकेट करें, ये किसी और का काम नहीं है। और ऐसे किसी संगठन की आवश्यकता भी है भारत में जो निष्पक्ष रूप में लोगों को एजुकेट करे, अच्छे वीडियोस बना के, पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर काम करे, राष्ट्रहित का काम करे। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की भी आवश्यकता है भारत में अभी, क्योंकि वहां पर हमको एक ऐसा इंटेलिजेंट जो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन हो जो इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको समाज तक लेकर जाए। हमारा सतोलॉजी तो बहुत छोटा है अभी तो, लेकिन अगर आप अपनी गतिविधि भारत में बढ़ाइए,
कोशिश तो मोदी मैंने जी बहुत, राज्य नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मोदी जी सबसे ज्यादा अनुकूल परिवेश बनाने वाले हैं। मैं चाहता तो हूँ मैं, लेकिन जो शुरू में हमारी टीम बनी थी वो टीम अभी रही नहीं है भारत में, तो अभी हम उसको वापस डेवलप कर रहे हैं धीरे धीरे, और पुनर्गठित जो करिए, मोदी जी के राज्य का लाभ पुनर्गठित, उठाइए। मोदी जी बहुत अच्छे शासक हैं। मेरी बहुत होप थी उस टीम से, लेकिन अब हम उसको वापस पुनर्गठित करेंगे, और बहुत सारे यूथ आए हैं सामने, तो अगर कोई यूथ जुड़ना चाहता है तो जरूर जुड़िए मेरे साथ, और हम सभी लोग, हमारे पास आशीर्वाद रहेगा रामेश्वर मिश्र पंकज जी का, कुसुम बिल्कुल, लता केडिया जी का, और इन सबका आशीर्वाद है। जगदम्बा जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, जगदम्बा का आशीर्वाद है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है, और हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक चीज तो आप जरूर सीखेंगे, हरि नाम लेना, वो तो आप डेफिनेटली सीखेंगे, वही मूल और है, मूल। वो उससे आपको शक्ति बहुत मिलेगी, और आप अच्छी तरह उसको अपने आप को संगठित कर पाएंगे, क्योंकि जब हमको बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है तो बैक टू द आइडियल बेसिक्स जाना पड़ेगा, जो आदर्शवाद, तो जो पुराना वास्तविक उसमें जाना पड़ेगा, और तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। बट एनीवे, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, और शेयर जरूर करिए सबको, और जब आप शेयर करेंगे तो मुझे उसका वैल्यू मुझे दिख जाएगा यहाँ जब आप शेयर करेंगे, और बाकी सारे वीडियोस को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे वीडियोस रेफरेंसेबल है, आप जाके रेफरेंस ले सकते हैं, आप लोग कोई शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो बनाइए, सारे क्रिएटिव कॉमन्स में है सारे वीडियोस, हमारा टीम इतना बड़ा नहीं है कि हम लोग शॉर्ट्स बना सकें हर समय, तो हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं होता है इतने वीडियोस के साथ। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और मुझे बताइए, तो हम लोग वहां से आपका शेयर करेंगे इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे। तब तक के लिए नमस्ते, और फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ। नमस्कार, जय जगन्नाथ।